कोटा में भी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास के निर्देशन में आयोजित लोक अदालत में बैंक राजीनामा संबंधित फौजदारी दावे, पारिवारिक प्रकरण, बिजली, एमएससीटी, बीएसएनएल व श्रम विभाग जैसे प्रकरणों का आपसी समझाइश से निस्तारण किया गया। एडीआर सेंटर कोटा अदालत परिसर में आयोजित लोक अदालत में पक्षकारों की खासी भीड़ देखी गई। बैंक और बिजली से जुड़े मामले अधिक सामने आए। कोई बिजली बिल की समस्या के समाधान की आस लेकर आया तो कोई कोरोना काल में बैंकों से जुड़े प्रकरण की उलझन को सुलझाने के लिए। मौके पर उनके प्रकरण को सुना गया और दोनों समाधान किया गया। कोटा के अलावा ग्रामीण के रामगंज मंडी, सांगोद, दिगोद, इटावा व कनवास में भी लोक अदालत लगाई गई। कोटा न्याय क्षेत्र में 38 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें 8500 पेंडिंग जबकि 5500 प्री लिटिगेशन के प्रकरण निस्तारण के लिए रखे गए। भैया ये बोल रहे हैं कि लाइट चोरी का आपका मामला है, लाइट चोरी हमारे पास वालों ने कर रखी थी, ये नीचे से फोटो क्लिक करके ले गए केडीएल वाले, तो नीचे से वो ऐसा शो होता है क्योंकि हमारे घर के पीछे है जो पोल लगा हुआ है वो घर के पीछे, अब वो नीचे से उनको ऐसा शो हुआ कि हमारे घर पे लगा हुआ है, तो उन्होंने मैं वहाँ जाके मिली नरेश सर से जाके मिली, नरेश सिंह जो विजिलेंस ऑफिसर है छावनी में, और उन्होंने बोल उनको वीडियो भी देख कर आई कि ये वायर हमारे घर पर नहीं लगा हुआ, वीडियो मेरे पास अभी भी है, वहाँ पे भी मैं सिस्टम पे 4 बार वीडियो अपलोड करवा चुकी हूँ लेकिन हर बार वीडियो हटा देते हैं और बोलते हैं कि नहीं आपका कोई रोल नहीं है, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे, और अभी 1.5 साल बाद फिर ये नया नोटिस भेज दिया हमें परसों के दिन। थाने से गीला हो गया, तार पुराना था जो आर मड़ के अड़ गया, जबकि आर मड़ के अंदर एक सुलेशन रहता है, सुलेशन के अंदर फिर दो तार रहते हैं, दो तार के अंदर फिर अंदर जो तार रहता है ना उसमें बिजली रहती है इनकी, उसमें चलता है करंट, उसमें करंट चलता है, लेकिन उसका जबरदस्ती फोटो खींच के ये क्या, अरे बेवजह मेरे 35,000 रुपये का नोटिस भिजवा दिया। आज राष्ट्रीय लोक अदालत है कोटा न्याय क्षेत्र में। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में करीब 8,500 पेंडिंग केसेज और 5,500 प्री लिटिगेशन के मामले रखे हुए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक दीवानी दावे, राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, चेक अनादरण, बिजली, एमएससीटी, पारिवारिक मामले, श्रम विवाद, बीएसएनएल आदि से संबंधित प्रकरण नियत किए गए हैं। कोटा न्याय क्षेत्र में कुल 38 बेंचों का गठन किया गया है। पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं, काफ़ी पक्षकार उपस्थित आए हैं, पब्लिक में काफ़ी उत्साह है। लोक अदालत की भावना से प्रकरणों में राजीनामा हेतु गठित बेंचें भी पक्षकारों के मध्य आपसी समझाइश का पूरा प्रयास कर रही है। कोटा न्याय क्षेत्र के सभी न्यायिक अधिकारीगण पूरी रुचि से सकारात्मक एवं सार्थक प्रयास कर रहे हैं। अधिवक्तागण भी सकारात्मक सहयोग प्रकरणों के निस्तारण में कर रहे हैं।